दोस्तों, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत के आप चाहे किसी भी कोने में हो, आप मंदिर के 5 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। यानी भारत के हर 5 किलोमीटर पर आपको कोई ना कोई मंदिर जरूर मिलेगा जो अपनी अलग और कोई विशेष विशेषता लिए होता है। और देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर है जहाँ बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इन्हीं मंदिरों में से एक है राजस्थान के नागौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अजमेर नागौर रोड पर कुचेरा कस्बे के पास बसा हुआ एक बुटाटी धाम, जिसे चतुरदास जी महाराज के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस मंदिर से हर साल हजारों लोग लकवे के रोग से ठीक होकर जाते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 वर्ष पूर्व चतुरदास जी, जो कि सिद्ध योगी थे, वे अपनी तपस्या से लोगों को रोग मुक्त करते थे। आज भी उनकी समाधि पर परिक्रमा करने से लकवे से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है। यहाँ नागौर के अलावा पूरे देश भर से लोग आते हैं। हर साल वैसाख, भादवा और माघ महीने में इनका मेला लगता है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सच में लकवे से ग्रसित लोग यहाँ पर आकर ठीक हो जाते हैं? तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है बुटाटी धाम नाम का एक मंदिर, जो अपनी विशेष मान्यता के चलते देश भर में मशहूर हो रहा है। मान्यता है कि इस मंदिर में 7 दिन तक आरती परिक्रमा करने से पैरालिसिस यानी लकवा के मरीजों का यह मर्ज दूर हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ देश भर के अलावा विदेशों से भी लकवे के मरीजों का परिजन केवल माउथ पब्लिसिटी के दम पर ले आते हैं। कई लोगों का दावा है कि 7 दिन के बाद लकवे का असर या तो पूरी तरह खत्म हो जाता है या बेहद हद तक सुधर जाता है। बुटाटी धाम मंदिर राजस्थान के नागौर जिले की देगाना तहसील में स्थित है। यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन मेड़ता रोड है, जो इस मंदिर से करीब 45 किलोमीटर दूर है। उस स्टेशन से मंदिर आने के लिए आपको कई बसें व जीप, फोर व्हीलर आदि मिल जाती है, लेकिन अधिकांश लोग स्वयं की फोर व्हीलर से भी आते हैं। ठहरने के लिए मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है। अजमेर कोटा रोड पर भी गेस्ट हाउस बना हुआ है, लेकिन अधिकांश लोग मंदिर परिसर में ही ठहरते हैं। इस मंदिर में मरीजों को ठहरने के लिए 7 दिन की ही अनुमति होती है। इससे अधिक समय होने पर यहाँ से जाने के लिए उन्हें बोल दिया जाता है। इसकी क्या वजह है यह पूछे जाने पर मंदिर समिति बताती है कि नए लोगों को आने के लिए जगह मिलनी चाहिए। कोई भी मरीज नया आता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके अनुसार उसे सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें तारीख के अनुसार उसको 7वें दिन उसे स्थान खाली करना होता है। यदि वह नहीं करता तो उसे यहाँ से जाने का आग्रह किया जाता है। बुटाटी धाम मंदिर का संचालन यहाँ पर बना हुआ एक ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि हम प्रचार में विश्वास नहीं रखते, इसलिए आज तक मंदिर के बारे में हमने किसी से भी कुछ नहीं कहा। सारे लोग केवल आस्था के चलते ही यहाँ पर आते हैं। पिछले 10 वर्षों में यहाँ आने वाले मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इंटरनेट पर इस मंदिर का खूब नाम है, इसीलिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। नवरात्रा में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से भी मरीज यहाँ आए थे। इस मंदिर के संबंध में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है लगभग आज से 600 साल पहले यहाँ चतुरदास जी नाम के संत थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास लगभग 500 से अधिक बीघा जमीन थी, जो उन्होंने दान कर दी थी और तपस्या करने के लिए चले गए थे। बताया जाता है कि वे सिद्धि प्राप्त करके वहाँ वापस आ गए थे और यहीं पर ही जीवित समाधि ले ली थी। उस स्थल पर आज यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में आने वाले मरीजों के लिए कई व्यवस्थाएं की जाती है, जिनमें पूरे परिसर में लोग 7 दिन तक रुक सकते हैं। उनसे रहने खाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। करीब 90% लोग अपने ठिकाने पर ही गैस चूल्हे लाकर भोजन तैयार करते हैं। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे और शाम को 6:30 बजे आरती होती है, जिसमें मरीजों के परिजनों का आना अनिवार्य है। इस मंदिर के परिसर में चारों तरफ व्हीलचेयर आपको नजर आएगी। इनकी संख्या लगभग 300 है, जो यहाँ पर आने वाला कोई भी मरीज इस्तेमाल कर सकता है, जिसका मंदिर समिति की ओर से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। एकादशी के दिन यहाँ सर्वाधिक भीड़ उमड़ती है।
इस दिन की गई आरती का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या वाकई में यहाँ पर आने वाले मरीजों का लकवा ठीक हो जाता है? इसके पक्के प्रमाण कहीं नहीं है। जब मैं एक बार मंदिर गया तब मैंने मरीजों से बातचीत की, तब मुझे पता चला जहाँ पर आस्था होती है, विश्वास होता है, वहाँ पर ज़रूर फर्क पड़ता ही है। तो मुझे भी उन मरीजों से संतोषजनक ही जवाब मिला था। इसके YouTube पर कई वीडियो है जहाँ पर मरीज बताते हैं कि उनका 7 दिन के अंदर कैसे लकवा ठीक हो गया था। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।